सिवान में अपराधियों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी है। मकान के बाहर सोने के दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मृतक के परिवार वालों को अगले सुबह हुई, जिसके बाद परिजन में कोहराम सा मच गया है। घटना सिसवन थाना क्षेत्र के सिसवन गंगपुर गांव की है। मृतक ललन साहनी का 32 वर्षीय पुत्र अशोक साहनी है। बताया जा रहा है कि अशोक साहनी नाव चलाने का काम करता है, जो कि कमरे के बाहर बरामदे में सो रहे थे। परिवार के सभी लोगों भी अपने कमरे में खाना खाकर सो गए थे। इसी दौरान बेखौफ अपराधियों ने धारदार चाकू से गला रेतकर इनकी हत्या कर दी है। जब परिवार के कुछ सदस्य की नींद खुली तो वह बरामदे की तरफ गए तो देखा कि अशोक साहनी खून से लथपथ पड़ा हुआ है। परिजनों ने अपनी जानकारी सिसवन थाने को दी पुलिस और पुलिस घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आखिर मामला क्या है, कैसे इसकी हत्या हुई, पुलिस हर पहलुओं पर जांच करेगी। पता भी कुछ नहीं था सर, पता नहीं कहाँ सुतरल ने बाहरी घर के बाहर गर्दन काट देवल बा। कितना उम्र हुई इनका? 35-36 हुई। का नाम है? अशोक। अशोक साहनी के उसे दुश्मनी रहे पहले से? घर के लोग के कैसे पता चल? घर के लोग छोट बच्चा हो जाए सुत रहा ठीक बा। अच्छा पाला उला के खुना गिर बैठे न तो हे जाके हाला कइले बा। अरे अपन मम्मी के जगह उले बा जे खून गिरल बा। अब तले मार को भाग गेल बड़ा सन। ओ जे कोई जल नहीं है। जल है ने ई का काम कर ले? नहीं चला, नहीं चला, ना चला ले। इनका पिताजी के नाम? ललन। ललन साहनी। ललन साहनी।